तव गुण गावे मूर्ति ममता की मातु है दूरी जय जग जननी संकट हरनी सुखी हमें बना तू सुखी हमें बना तू खुले हैं क्या? फिर दरवाजा क्यों बंद है? आज तो मनुष्य खुल निकले हैं। मनुष्य? नहीं तो क्या, आज दूध पीना भी भुला बैठे। सचमुच मैं अपने विचारों में ही खो गया। पुरुष विचार में होते हैं तो अपनी स्त्रियों को भी भूल जाते हैं, मगर स्त्रियां कभी विचारों में भी अपने पतियों को नहीं भुलाती। बस हो चुका ना? अच्छा
तुमने कुछ कहा राधे? मैंने कुछ नहीं। कुछ नहीं? खैर मुझे ऐसा ही मालूम हुआ, आज का दूध बहुत अच्छा था। अच्छा था? भला कैसा था? दूध जैसा। लेकिन मुंह तो ऐसा बाका टेढ़ा दिखता है जैसे 4 दिन का खट्टा मट्ठा पी लिया हो। मंत्रो। हाँ, मैंने आपका नहीं, माई का। माई का? हाँ, हमेशा की तरह आज आपने उनसे बातें भी नहीं की, इसीलिए आपसे रूठ गई है। अच्छा अच्छा, जा गाड़ी तैयार करने को। क्या क्यों तुम मुझसे रूठ गई? सचमुच तू नाराज दिखती है, क्यों? अगर आज आप न जाए तो? क्यों, आज फिर कोई व्रत है या कोई मिन्नत मानी है? बच्चों के लिए स्त्रियों को कितनी उमंग होती है, जब देखो तब दिल लगे। आज तो मैं आपको छोड़ने वाली ही नहीं। वाह, बड़ी होशियार है। मैं उन जूरू के गुलामों में से नहीं हूं जो स्त्रियों की सलाह पर चलते हैं। मुझे कंस महाराज ने बुलाया है, मुझे जाना ही चाहिए। बार बार कंस महाराज के पास जाना था तो फिर ये घर बार क्यों बसाया है? मनसुख, गाड़ी तैयार हुई? कभी की। मनसुख, जा बैल खोल दे, इस वक्त ये कहीं नहीं जाएंगे। खबरदार मनसुख, मैं जाने वाला हूँ। मनसुख सुनता है या नहीं? मैं कहती हूँ ना कि बैल खोल दे। आप कहती हैं बैल खोल, मामा फरमाते हैं मत खोल, अब किस किस की सुनो? मेरी सुनो, जा बैल खोल दे। मनसुख, मैं क्या कहता हूँ, जा पहले बाहर जाके रास्ते था। भाई? जा जा मनसुख, तुम भी जाओ और मैं भी कहीं चली जाऊंगी। हम स्त्रियों की तो फूटी घड़ी किसी भी कीमत नहीं। और कर मुटे स्त्री कहलाती है। मैं वहां कुछ गाय मनसों की रखवाली करने या पानी भरने थोड़े ही जा रहा हूँ, बड़े भारी और शुभ काम के लिए जाता हूँ। तो दो मीठी बातें एक तरफ रही, उल्टा रो रो कर शकुन कर रही है। इसी से पति को खूब सफलता मिलेगी। अब किसके रो रो थोड़ा बंद करती है? रो, खूब रो। 8 दिन तक जो ये मुंह सीधा हो तो कसम है। माई, अरे माई, क्या हुआ? कहाँ क्या, कुछ तो नहीं? माई किस लिए रोती है? आपने गुस्सा किया है मेरी माई पर? हाँ हाँ, गुस्सा किया है मैंने तेरी माई पर, एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। आया बड़ा हिमायत करने वाला, कहता है मेरी माई मेरी माई, दूसरों के घर में घुसकर शरारत करता है। देखो देखो, अब चेहरा कैसा खिल गया। मामा, फूल खिलने के लिए ही है और कांटा चुभने के लिए ही है। मनसुख, बड़ी पत्ते खिल गई है। क्या कहा मैं कांटा? ऐसे बैठक बैठ की बातें अपने घर में कर, मैं यहाँ ऐसे बैठ की बातें नहीं चलने दूंगा। मामा, गाड़ी तैयार है पर बैल पूछते हैं कि कंस महाराज के यहाँ अभी चलना है या कुछ देर हो तो चारा पानी कर ले। अभी अभी जाना है। माई, आज मामा इतने नाराज क्यों हुए? क्यों हुए? जाने दे कन्हैया, तुझे देखते ही मैं अपना सारा दुख भूल जाती हूँ। सचमुच तू दूध पिएगा ना? नहीं तो क्या, आज मुझे भूखे मारने का इरादा है? नहीं माई, तेरे हाथ से दूध पिए बिना तो मेरा पेट ही नहीं भरता। चल।
मनसुख, मैंने नहीं पिया। तो और कौन पी गया? किसान। कितना झूठ बोल रहा है रे मनसुख। अरे मैं क्या माही के पास से हिला भी हूँ? अरे तेरे हिलने की क्या जरूरत है, ये किसान हिल रहा है ना इधर से उधर और उधर से इधर। मनसुख तू किसान? हाँ मैं। ये मुझसे हर रोज कहता है कि जो किसान है मनसुख है और जो मनसुख है वही किसान है। मैं जाता था इधर से, दिखा किसान के लिए रखा हुआ दूध, आया दिल में बना किसान, बस गया थी। वाह, जब कुछ खाने पीने का मौका आता है तब बनता है किसान। हाँ हाँ, यू तो खाने खाने में भी फर्क है। हाँ याने, जब कभी दूध दही खाने की बारी आती है तो दिल में आता है बन जाओ किसान, और जब कभी मार खाने की बारी आती है तो दिल में आता है बन जाओ मनसुख। वाह, मतलब ये कि किसान पर ही मार पड़े ना। बड़ा अच्छा मित्र है तू इसका। सचमुच माई, ये मेरा सच्चा मित्र है। माई, जब कोई मुझ पर हाथ चलाता है तब मनसुख ही मेरी ढाल बन जाता है। मनसुख ये ले। और मुझे नन्ही हूँ मैं मक्खन खाने के लिए। सचमुच कन्हैया, मैं नन्ही होती तो कितना अच्छा होता। मैं तेरे साथ यमुना तट पर चलती, खेलती कूदती, नाचती, आनंद मनाती। मुझे कोई कोई भी न मना करता, सारे दिन बैठी हुई तेरी बांसुरी ही सुना करती। कन्हैया एक बार बजाना दे बांसुरी। हाँ, मीठी मीठी बातें करके मेरे किसन को फुसलाना नहीं। किसन रख दे बांसुरी। माई हा 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 बचपन पाया।
की आज्ञा लोगों से कही, लेकिन वो दही दूध देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये कुछ नहीं, ये कंस महाराज की आज्ञा है, इसको अमल में लाना ही चाहिए। अगर वो खुशी से न दे तो जबरदस्ती दही दूध लूट के ले आना। जाओ खींच कर ले आओ। महाराजा धीराज की जबरदस्त फौज का सामना पृथ्वी पर का कोई शत्रु नहीं कर सकता। नहीं नहीं महाराज, स्वर्ग के देवताओं की भी मजाल नहीं। साक्षात यमराज भी थर थर कांपते हैं। बेवकूफ महाराज, अगर संसार के तमाम योद्धा, स्वर्ग के सारे देवता और स्वयं यमराज मिलकर आए तो भी आपकी बेशुमार फौज के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे। बात करने का सलीका इसे सीख। महाराज की जय जयकार हो। महाराज, नगर निवासी हर रोज शिकायत करते हैं कि फौज उन्हें बहुत सताती है। क्या कहा? हमारी फौज नगर निवासियों को सताती है? बेहूदे, बेवकूफ, जाओ उनसे कह दो हमारी फौज की हस्ती है, इसीलिए तुम जीते जाते नजर आते हो। जीना चाहते हो तो फौज का दम गनीमत समझो, तुम लोगों का यही फर्ज है। केशी, सुना, तुम्हारी फौज से लोगों को तकलीफ होती है? हाँ होती है महाराज, हमारे ही बलबूते पर जो सुखी नींद सो रहे हैं। मंत्री जाओ उनसे कह दो केशी के खिलाफ किसी की फरियाद न सुनी जाएगी। केशी आने हमारा बल, हमारे प्राण, केशी आने कंस, उसके खिलाफ सर उठाने वाले की गर्दन मारी जाएगी। केशी, जब तक तुम हो, तुम्हारी फौज है, तब तक हमें मौत की भी परवाह नहीं। लेकिन महाराज, अब तो हमें आपसे थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। मथुरा में तो खूब ठहरे, अब कहां पड़ाव डालें? आज्ञा दीजिए। अरे कहां क्या पूछते हो, कंस का राज्य चारों दिशाओं में फैला है, जी चाहे वहां जाओ। महाराज, गोकुल के हमें महाराज के दर्शनों के लिए आए हैं। जाओ आने दो। महाराज, मैं बहुत दिनों से पूछने में हिचकिचाता था कि आखिर गोकुल के एक छोकरे का आपके दिल में इतना डर क्यों? हमें और उस छोकरे का डर? अगर कंसाहिर के एक मामूली छोकरे से डर जाता तो संसार भर में उनकी इतनी धाक न बनती। किसी बेवकूफ ने कहा है कि हमारी मौत उसके हाथ है, तो फिर उसे एक बार यहां लाकर कत्ल ही क्यों न कर डाले। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे केशी, तू तो सिर्फ सिपाही ठहरा, अगर ऐसे मामूली छोकरे से डरकर हम उसे मार डाले तो संसार हमारी हंसी उड़ाएगा। तो फिर उसके बारे में इतनी पूछताछ क्यों? हिस्ट, हमने अनेक उस छोकरे का समाचार सुनाने को नहीं बुलाया, उससे तो हमें कुछ और ही काम है। क्यों रहने, तेरे गोकुल में कितने मवेशी हैं? होंगे कोई 4-5 हजार। अच्छा, तो इतने मवेशी चरने कहां जाते हैं? जमुना के किनारे। जमुना के किनारे,
लेकिन क्यों रे, जमुना के किनारे नंद का छोकरा खामखा उधम मचाता फिरता है, सब लोग उसका बखान करते हैं, भला उस छोकरे में ऐसी कौन सी बात है? महाराज, वो है गांव के मुखिया का बेटा, थोड़ा बहुत होशियार है, कुछ बातूनी है, थोड़े बहुत बांसुरी बजाता है, लोग उसे लाड प्यार करते हैं और नाचते हैं उसे सर पर उठाकर। तो क्या वो बड़ा पराक्रमी है? वो और पराक्रमी, हाँ, जब चाहता है घरों में घुसकर दूध दही की चोरी करता है, यही है उसका पराक्रम। तुम लोग उसकी ऐसी हरकतें क्यों बर्दाश्त करते हो? क्षमा कीजिए महाराज, साफ कहता हूँ, वो ठहरा आपके कर्मचारी का बेटा, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारा कर्मचारी है तो क्या हुआ, उसे क्या अधिकार है कि लोगों को इतना सताए? ऐसी बातें हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखो, अब से उस छोकरे पर कड़ी निगाह रखना और उसका सब समाचार हमें पहुंचाना। महाराज, मैं जो कहता था आखिर वही हुआ ना, उस छोकरे का इतना जिक्र करके आप उसे खामखा आसमान पर चढ़ा रहे हैं। अरे हाँ, हम भूले, कौन है, अनय को बुलाओ। अरे केशी, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जाकर गोकुल में ही पड़ाव डालो ना। ये देखो अनय, हमारी फौज कल गोकुल में पड़ाव डालेगी, उसका सारा इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हीं पर हमें पूरा भरोसा है, नंद से भी हमारा संदेशा कहना। और देखो, सिपाहियों के लिए 500 दुधारी गाय लाकर केशी के पड़ाव पर बांधने का इंतजाम करो, ये सारा बंदोबस्त कल ही हो जाना चाहिए, तुम्हें इसीलिए बुलाया था, समझे? महाराज, आप कितने ही बहाने क्यों ना करें, लेकिन कृष्ण के बारे में जो डर आपके दिल में समा गया है वो कभी नहीं छुप सकता। लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं गोकुल ही जा रहा हूं और मौका मिलते ही कृष्ण को ठिकाने लगा दूंगा। केशी, हमने तुम्हें सिपाही कहा था, लेकिन साथ ही कुछ अकलमंद भी हो। तो मुंह तोड़ डालूंगा। छोकरों के साथ खेल कूद कर वक्त बर्बाद क्या करता है, फिर इधर दिखा तो खबरदार, कहां है तेरी गाय? वो रही ना,
इन बदमाशों के गाय में तूने अपनी गाय क्यों शामिल की? निकल इन्हें बाहर, चल घर ले चल। चलने के लिए कह रहा हूं ना। चलो चलो घर की तरफ, मामा आए हैं, निकलो बाहर। आज तुम्हारे मालिक का सर फिर गया है। मंसूख कैसे मुर्दार है, बाहर चलने के लिए कह रहा हूँ ना। चलो चलो जाओ रे, हिस्से या नहीं। क्या ये मुझ जैसे इंसान है? क्या आप जो कहे वो फौरन मान ले? रोज एक किशन की बासुरी पे लाट गई है, बिना बासुरी सुने ये यहाँ से हिलेंगी भी नहीं। बासुरी के सुर पर लहती हुई है क्या? देखा ये बंसरा, पहले इसी से उनकी पीठ से सुर निकालता हूँ। हाँ मामा, मारो मत मारो मत, चलती है अभी चलती है। चलो मेरी मैया। मामा अब जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहिए, अब किशन की बांसुरी बजने का समय आ गया है। एक बार बांसुरी बजी कि गाय अपने काबू से बाहर हुई। बार बार बांसुरी का नाम लेता है, बंद कर मुंह। नहीं कर लो मामा, सिर्फ एक बार। मामा मैं बेफायदा बांसुरी की तारीफ नहीं करता, उनकी बांसुरी से पूछूं तो क्या मनुष्य भी पागल हो जाते हैं। वे गधे हैं। लेकिन अब चुप रहता है कि नहीं हिलती इसलिए। पर मैंने तो उन्हें ठहरने के लिए नहीं कहा। लेकिन तेरी बांसुरी सुनकर वो ठहर जाते हैं, इसका क्या? क्या आपके हाथ में वो बंसरा है ना, चलाइए उन बेजुबान जानवरों पर जिनकी जान पर आपकी जिंदगी है, ले लीजिए उनकी जान, बड़ा पुण्य होगा आपको। बकवास बंद कर और फिर बांसुरी ना बजा। वाह, आप कंस के पास से आए इसलिए आपका भी मिजाज वैसा ही तेज हो गया। आपकी बात मैं बिल्कुल न मानूंगा। किशन बंद करता है या नहीं अपनी लड़की। वो करूं जी चाहे वो करूं, क्या समझ रखा है आपने उन्हें?
वो क्या रास्ते पर पड़े हुए बेजान पत्थर हैं? हमारी तुम्हारी तरह ये भी रक्त मांस के जीव हैं। कितने परोपकारी, अपने रक्त का अमृत बनाकर ये तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, शक्ति देते हैं, और उसी शक्ति का इतना दुरुपयोग उन्हें मारते हो। देखो देखो इनके भोले भाले चेहरों की तरफ, कितना प्रेम भरा है इनकी दृष्टि में, कितनी गरीब, कितनी ममतामयी। न जाने आप इन पर घात कैसे उठाते हैं। निरे निर्दयी, पत्थर का दिल रखने वाले हैं आप। हाँ हाँ, मैं पत्थर का दिल रखता हूँ, मैं उनकी चाल भी ले लूंगा। हाँ, भला गायक को हाथ तो लगाओ, इनमें से हर एक के हाथ का बंसरा तुम्हारी पीठ लाल कर देगा। मनसुख जी, मनसुख जी, मनसुख जी, गाय लेकर खड़ा आया। नंद महाराज के घर जा, उन्हें संदेशा दे कि मैं कंस महाराज के पास से एक जरूरी खबर लाया हूं। आधे पंचों को भी इकट्ठा करने के लिए कह। कन्हैया, बहुत रात हो गई, चलो। मैं नन्ना हूँ। क्यों? नहीं, मुझे थपक रही हो, इसीलिए पूछता हूँ। अब मुझे थपकिया न दो तो भी मुझे नींद आ जाएगी। आएगी ना,
पर तुझे थपकियां दिए बिना मुझे नींद कैसे आएगी? फिजूल बहस में वक्त क्यों बर्बाद करते हो? कुछ भी हो, कंस महाराज हमारे राजा हैं। अगर सिर्फ 500 गाय देने से महाराज राजी होते हैं तो फिर ऐसा सुनहरा मौका हाथ से क्यों गवाते हो? सुनहरा मौका अजी कहते क्या हो, गायें यानी हम ग्वालों के प्राण, और तुम वही देने के लिए कहते हो? लेकिन वो न देने से होने वाले नतीजे का भी कुछ ख्याल है? तुम्हारी बात सोचने लायक है, बड़ा पेचीदा सवाल है। एक ओर हमारी गायें, दूसरी ओर राजा की आज्ञा, और वो भी कंस जैसे राजा की आज्ञा। गाय देना ही पड़ेंगी, और क्या हो सकता है? बाबा मैं बताऊं? ये यही बताएगा कि राजा की आज्ञा न मानो, गाय न दो? नहीं जी, आपकी पूरी भूल हुई। आपके कंस महाराज सिर्फ 500 गाय मांगते हैं ना, तो फिर इसमें इतनी बहस की क्या जरूरत है? आंख मुन कर दे डालिए। तो जाकर कह देता हूं महाराज से। हाँ हाँ, उन्हें साष्टांग दंडवत करो, हाथ जोड़कर बिनती सुनाओ, और साथ साथ 500 नारियल भेंट चढ़ाओ। बड़े प्रसन्न होंगे महाराज तुम पर, और दे देंगे एकाध जागीर। ऐसा भला तू सीधी बात कब करेगा? अच्छा, पंचों ने क्या फैसला किया? मैं भी यही पूछता हूँ, क्या फैसला किया पंचों ने? और क्या, गाय देना ही पड़ेंगी। देना ही पड़ेंगी, और आप दे देंगे? आज तो वो 500 गाय मांगता है, कल 5000 मांगेगा। हाँ, उतनी भी देना पड़ेंगी। परसों सब मांगेगा। हाँ हाँ, सबकी सब देना पड़ेंगी। उनके राज्य की हर एक चीज उन्हीं की है। तो फिर कल तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारे बाल बच्चों को भी जाना पड़ेगा, तब बहुत सुखी होंगे ना? कंस महाराज तुझे से बेअक्ल नहीं है कि जो चाहे मां, वे मनुष्य ही हैं। और हम कौन हैं? हम भी मनुष्य हैं, ये वो भूल गए। एक एक गाय यानी हमारे कलेजे का एक एक टुकड़ा है। तुम्हारे कंस महाराज मनुष्य होते तो इस तरह दूसरों के कलेजे के टुकड़े न करते। और शर्म की बात तो ये है कि तुम जैसे जन्मजात ग्वाल ऐसी बातों को चुपचाप सुनाते हैं, और हम लोगों को गाल फुला फुला कर सुनाते हैं। कन्हैया, इसमें इनका क्या कसूर? इन्होंने तो सिर्फ राजदूत का काम किया है। राजदूत का नहीं, यमदूत का। जब हमारी गायें हमारे प्राण मांगे जा रहे थे, तब इन्हें कुछ भी महसूस न हुआ। इन्होंने फौरन इनकार क्यों न कर दिया? कहा कि उन्हें की गायें न मिलेगी। राजा हुआ तो क्या हुआ, ऐसी बातों में ये उससे दब क्यों गए? वो क्या तुझ जैसे नकबही छोकरों की कहानियों के राजा है? मैं जानता हूँ कि वो तुम जैसे जवा मर्दों के राजा हैं, लेकिन जब तुम जैसे जवा मर्द अपनी मर्दानगी छोड़कर उनके आगे नाक रगड़ते हैं, तब हम जैसे बच्चों को अपनी गायों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। नन महाराज, अपने बेटे का मुंह बंद कर आई। इसमें नन महाराज की क्या जरूरत है? मेरी बातों का जवाब देकर आप ही मेरा मुंह बंद कर सकते हैं। बोलिए, आप किस मुंह से गाय देने के लिए कहते हैं? इन 500 गायों पर गोकुल के 5000 ग्वालों का जीवन निर्भर है। तुम्हारी इस मांग से 5000 जीवों का हाल बेहाल हो जाएगा, इसका कुछ ख्याल है आपको? तू जैसे छोकरे से मैं बात भी नहीं करना चाहता। अनय, वो छोकरा है तो क्या हुआ, उसका एक एक शब्द दिल पर कितना असर करता है, कितना सच है उसका कहना। लेकिन कंस महाराज को क्या जवाब दूं? अजी, तुम जिसे छोकरा समझते हो पहले उसे तो जवाब दो, फिर सोचेंगे कंस महाराज को क्या जवाब दिया जाए। अरे किसान, तेरा कहना बिल्कुल ठीक है, पर उसे अमल में कैसे लाए, बड़ी अड़चन है। यह अड़चन इस छोकरे के बेहतर बेहतर बातों की तारीफ करने से दूर न होगी। पर 500 गाय देने पर भी अड़चन दूर होने वाली नहीं। आज अड़चन दूर भी मालूम होगी, पर कल इससे भी बड़ी अड़चन पड़ेगी। एक एक करके हमें अपना सब भी दे देना होगा, और आखिर में तो कंस से झगड़ना ही पड़ेगा। तो सब घुमाने के पहले हम सब मिलकर इसी वक्त को निपट ले। एक ना एक दिन ये वक्त आने वाला ही है। पर याद रखो, कंस महाराज से शानदार है, अपनी आज्ञा का अनादर देखकर वे गोकुल को जरा तक खा
कर जानेंगे। इसका बचाव क्या है? इसका बचाव भी है। कंस को गाय दही दूध के लिए ही चाहिए ना। जाओ उससे कहो जितना दही दूध चाहिए मिलेगा, लेकिन हमारी गायें नहीं मिलेंगी। ऐसा संदेशा लेकर मैं कंस महाराज के पास कभी ना जाऊंगा। तो क्या कसाई बन के गायें लेकर जाओगे? अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरूंगा। मैं कंस महाराज से क्या कहूँ? तुझे भी वो अवतार ही मालूम होता है। मुझे तो क्या, गोकुल के सब लोगों को वे वैसे ही नजर आते हैं, और आप भी इनकार न करेंगे कि परमात्मा के सारे गुण उनमें मौजूद हैं। उनका रूप, उनका तेज। बस बंद कर उसकी तारीफ। चार आदमी के बीच वो मेरा अपमान करे और मेरी स्त्री मेरे ही सामने उसका बखान करे। क्या वहां कन्हैया से कुछ कहा सुनी हुई? मुझे क्या पड़ी है उससे बोलने की? मुझे तो उन बूढ़े पंचों की समझ पर दया आती है। वे भी चल के छोकरे के सामने सर झुकाते हैं। क्या पंचों ने भी उनकी बात मान ली? आपको भी चिढ़ना पड़ा क्या? आप इसी से नहीं समझ सकते कि कन्हैया में कोई विशेषता है? मुझे तो उसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। आप नाराज न हो, आप उन्हें अपनी ही नजर से देखते हैं। परमात्मा को जिस नजर से देखिएगा वो वैसे ही नजर आएंगे। आप अपनी नजर बदल डालिए। बस कर लंबी चौड़ी बातें। एक मामूली चरवाहा और वो परमात्मा। मैं अब तक तुझ जैसा पागल नहीं हुआ कि उसे परमेश्वर मानो। ठीक है, अपनी गायें दूसरे के दरवाजे पर बांधे, ऐसी बात कहने के पहले ही आने की जीत क्यों नहीं झटपड़ी? कहेगा गोपाल, कसाई है कसाई। लेकिन हमारे किशन ने आने को ऐसा हक्का बक्का बना दिया कि पंचों के सामने उसकी सूरत पर लानत बरस रही थी। लानत ठीक, बिल्कुल ठीक। गंगा गंगा किशन, आज बहुत देर की। हाँ हो गई, तुम चलो आगे।
माई के घर से कुछ खा पी कर मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पीछे। माई, अरे माई, मैं तुम्हारे यहाँ जीवने आया हूँ। मैया आज मुझसे बहुत नाराज हुई, बोली कि मैं तुझे खाना भी न दूंगी। मैंने कहा ना दो, मैं अपने माई के यहाँ खा लूंगा। परसों ना माई, मैं तुझे न खिलाऊंगी। क्यों? मैं तुझसे नाराज हो गई हूँ। माई मुझसे नाराज हो गई है, क्यों न होंगी? कल तूने उन्हें कितना तंग किया, फिर कैसे नाराज न हूं? माई, क्या इसमें मेरी भूल हुई? वो हम ग्वालों की जान मांगते थे, क्या वो देनी चाहिए थी? माई, तुम मुझसे जरा भी नाराज नहीं हो, सचमुच 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 ना? कन्हैया, तू दूसरों के दिल को कैसे देख लेता है? सचमुच माई, तू अपने कन्हैया पर कभी नाराज होगी? हाँ, होंगी। जब कन्हैया कन्हैया न रहेगा तब। कन्हैया, तेरा बर्ताव, तेरी बातें कितनी कितनी मुनासिब होती हैं। कल मामा मुझ पर इतने नाराज हुए, लेकिन तू तो जरा भी नहीं हुई। कितना आनंद हुआ मुझे। माई, सारा संसार मुझसे भले ही रूठ जाए, लेकिन मेरी माई मुझसे न रूठे। ऐसी मीठी मीठी बातें करना तूने कहाँ से सिखा रहे? कन्हैया, जब तेरा प्यारा मुखड़ा देखती हूँ, जब तेरी ऐसी मीठी मीठी बातें सुनती हूँ, तब ऐसा लगता है कि किसी की परवाह न करके तुझे इस तरह कलेजे से लगा लूं। मेरा कन्हैया संसार को आनंद देने के लिए ही आया है, इस एहसान का बदला कैसे चुका है? हाँ, इतनी देर से खाना मांग रहा हूँ, वो भी नहीं देती, और पूछती हो एहसान का बदला कैसे चुका है। हाँ, तुझे भूख लगी है ना? चल। हाथ से खिला, तू खिलाएगी तो मैं खूब खूब खाऊंगा। हाँ हाँ, तू तो नन्हा सा बच्चा ही ठहरा। अच्छा अच्छा, मैं खिलाती हूँ अपने लाडले को। प्रीति का मोद से खा ले, सावरे हास के जग को हंसा दे। ये चिड़िया का, ये मुरवा का, ये सबसे मीठा, ये सबसे मीठा अपनी कपिला का, ग्रास ए प्रीति का मुख में तू।
हर्ष से गोकुल को शांति दिलाओ, हर्ष से गोकुल को शांति दिलाओ, शांति दिलाओ। आखिर आपने क्या ठहराया? ये देखो, जब गायें जमुना के किनारे चल रही हो तब ये वहीं से उड़ा दी जाए। अजी, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब तक किशन वहाँ मौजूद है तब तक एक भी गाय वहाँ से हिल नहीं सकती। ये किशन रोटी खा के आता है या पहाड़ पर चढ़ के आता है? जी उकता गया, किसन नहीं तो कुछ नहीं, सब मरे से पड़े हैं। क्यों रे मनसुख? ओ, तू तो बोलता था किसन रोटी खा के आएगा। अरे मनसुख तो ठेरा पूरा लवाज, तू नहीं जानता, वो जब माँ के पेट में था तब इसे चकमा देता आया है। बेफायदा क्यों बकवास करता है? उसने मुझे सचमुच कहा था कि रोटी खाकर फौरन आता हूँ। अरे वो नहीं है तो जाने दो, मैं बनता हूँ किशन। सब लोग आंखें मीच लो। अरे हाँ, खोल दो आंखें। अरे खिसे क्यों करते हो? चुप बैठो, हंसो मत। अरे मनसुख, जा जरा पानी पी गया। अरे बैठ बैठ। अरे मुझसे किशन कहा तो क्या किशन हो गया? क्यों क्यों नहीं हो सकता? कौन से बात में किशन से कम है? क्या इसके नाक पांव हाथ मुंह क्या नहीं है? सबके सब है, सिर्फ एक चीज नहीं। क्या? खोपड़ी नहीं है, वो भी है। तो भेजा। खोपड़ी में भेजा नहीं है क्या? लेकिन हाथ में क्या है देखा? चलो चलो जल्दी चलो, लड़के खेल रहे हैं और किसने अभी तक आया नहीं, उसके आने से पहले ही गाय हांक ले जाए। चलो चलो चलो। अरे हमारे गाय कौन ले जा रहा है? दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ए छोकरो, उल्टे पांव वापिस आओ, आगे बढ़े तो टैंक तोड़ डालूंगा। टैंक तोड़ता है? किसके गाय ले जा रहा है? पहले तेरी खोपड़ी तोड़ डालूंगा। किसन के बसरे बसती तो गाय तुरंत लौटाती। मनसुख, जरा तू ही अपने बसरे बजा कर देख। ऐसे कड़े वक्त में तू कहाँ है किसान?
मनसुख, क्यों रे, क्या हुआ? किशन, तू और मैं इतने दिनों से जानी दोस्त है, लेकिन अब सोच की बात है कि गायों की रक्षा जैसा मामूली काम भी मैं नहीं कर सकता। लानत है मेरे जीने पर। इससे तो यही बेहतर है कि मैं जमुना में डूब मरूं। मनसुख, ऐसी मनहूस बातें न कर, चल ना मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे हाथ न लगा, ये मनसुख तेरी दोस्ती के काबिल नहीं है। इसे लात मारकर निकाल दे और सबसे कहे कि किशन के साथ रहकर इसे इतने व्याकल नहीं आई। आज तुझे हो क्या गया है मनसुख? अपने कृष्ण पर तुझे जरा भी प्रेम नहीं है क्या? मनसुख का किशन पर प्रेम नहीं है क्या? कभी हो सकता है? तुझे पागलों किसी बातें क्यों कर रहा है? अगर तुझे दम भर भी न देखूं, तो मेरा जी कितना बेचैन हो जाता है। पर तू जरा भी ख्याल नहीं करता कि इन मनहूस बातों से मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरे लिए तेरे दिल में कुछ भी प्रेम नहीं है तो क्या? क्या गजब करता है किशन? तेरे लिए मेरे दिल में कुछ भी प्रेम नहीं? जरा मनसुख की छाती फाड़ कर तो दे, वहां भी तुझे किशन ही नजर आएगा। जैसे हनुमान जी की छाती में श्री राम थे, वैसे ही मनसुख की छाती में किशन बसा है। किशन, तू मुझे सब जगह दिखाई देता है। यहाँ है, यहाँ है, हर जगह दिखाई देता है। किशन, किशन पे जाओ वारी वारी, मेरे मोहन की लीला है न्यारी, छवि न्यारी तोरी है मुरारी। तुम ब्रिज के दुलारे, तुम ब्रिज के दुलारे, मोहन पे जाओ वारी वारी, मेरे मोहन की लीला है न्यारी, छवि न्यारी तोरी है मुरारी। कहूँ ग्वाल बाल बने, कहूँ प्रतिपाल बने, कहूँ प्रतिपाल बने, नटवर छलिया भारी, नटवर छलिया भारी। ब्रिज के दुलारे मोहन पे जाऊ वारी वारी, मेरे मोहन की लीला है न्यारी, कभी न्यारी तोरी है मुरारी। जमुना के जल में, गोपालों के दल में, सब में समाया। जमुना के जल में, गोपालों के दल में, सब में समाया। तेरो अंत नहीं पाया तोरी लीला बलिहारी, तेरो अंत नहीं पाया तोरी लीला बलिहारी। ब्रिज के दुलारे मोहन की लीला, मुरली वाले की लीला, कन्हैयालाला की लीला है न्यारी। तुम ब्रिज के दुलारे, तुम ब्रिज के दुलारे, मोहन की लीला, बंसी वाले की लीला, कन्हैयालाला की लीला है न्यारी। फिर ये अंजाम हुआ। अगर महाराज की आज्ञा मानकर उन्होंने 500 गाय भेज दी होती तो ये बखेड़ा ही खड़ा ना होता। लेकिन जब वो लोग इस तरह सताए जाएंगे तो 500 ही क्या बल्कि 5000 गाय खुद बन जाएंगे। हमारे गांव के लोग सचमुच मूर्ख हैं। मूर्ख ही क्यों, महामूर्ख है। वो नंद का छोकरा अनाप शनाप बचता है और वे लोग नंदी बल के तरह सर हिलाते हैं। अब करेंगे अपनी मूर्खता का प्रायश्चित। Yeah.
सचमुच क्या करें? बेहतर तो यह है कि उस रास्ते को ही छोड़ दें। तुम रास्ता खूब छोड़ दोगे फिर भी खतरा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कल फौजी गांव में घुस आएंगे। घुसने दो, क्या कर लेंगे? हम कुछ कच्ची मट्टी के बने हुए नहीं है। हम भी तो हाथ कर लेंगे, 100 मारेंगे 10 मरेंगे। फिजूल जोश में आने से काम न बनेगा। जो कुछ करें सोच विचार कर करें। बैठिए। उठो, देखो सोच विचार करने से मनुष्य कायर बन जाता है। ज्यादा विचार करना बूढ़ों का काम है, हम जैसे बच्चों का नहीं। आया मन में वो कर डाला। किसी की फौज से हमें जो तकलीफ हो रही है उसके बारे में उन बूढ़ों को ही विचार करने दो। मैं खुद इसी वक्त केशी के पास जाकर पूछता हूँ। अरे 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 अरे, हम तुझे सयाना कहते थे और तू तो बिल्कुल बेहुदा बातें कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? देख किशन, बच्चों को बहुत विचार न करना चाहिए, माना, पर तू ही बता थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए या नहीं। अच्छा तो तू जिससे मिलने जा रहा है वो किसे है? कौन कौन है वो? कंस का सेनापति। सेनापति बराबर बराबर। और उस सेनापति से पूछने हमारा राजा जाएगा? नहीं नहीं नहीं। शाबाश शाबाश। अरे किशन, तेरा सेनापति क्या मर गया है जो तू खुद ही जा रहा है? मेरा सेनापति? हाँ, वो कौन? कौन खड़ा है तेरे सामने? हाँ बोल, कौन है? ऐसी शान से किसी के पास जाऊंगा और कान पकड़ के पूछूंगा। क्या पूछेगा उससे? उससे कहूंगा, अरे गधे के बच्चे, हमारे गांव में आकर हमी को सताता है। अरे मंसूर, जो उल्लू की तरह बकवास करेगा तो एक पाव जो सीधा है वो भी टेढ़ा हो जाएगा। देख, यही यही बूढ़ों का विचार है। तुझे मेरे सीधे पर की चिंता है ना? वो मैं सीधे का सीधा वापिस लाऊंगा। बस हुआ ना? चलो 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 मेरे साथ। गोकुल के वीर जपो कृष्ण नाम की माला, कृष्ण नाम की माला, अरे कृष्ण नाम की माला, कृष्ण नाम की माला। गोकुल के वीर जपो कृष्ण नाम की माला, गोकुल के वीर जपो कृष्ण नाम की माला। दुष्ट करो सर्प चलो प्राण धेनु परवार, चलो शर्म चलो प्राण धेनु परवार। वीर धरो वीर बनो बात सुनो, चुन चुन बैरी मारो, चुन चुन बैरी मारो, चुन चुन बैरी मारो। टूट पड़ो खूब लड़ो जय बोलो नंदलाला, टूट पड़ो खूब लड़ो जय बोलो नंदलाला, सेनापति कहाँ है? तू कौन है? मैं भी अपने राजा का सेनापति हूँ। कौन है तेरा राजा? अब क्या करें, इतना भी नहीं समझते? अजी मेरा राजा किशन है, किशन। तो तुझे सेनापति से क्या काम है? देखो भाई, फजूल की बकवास न करो, पहले ये बताओ सेनापति कहाँ है। जा उधर जा। ए, कहाँ जाता है?
यहाँ किशन के सेनापति आए हैं ना, कहाँ आए हो? अरे ये देख। चल नहीं, चलिए सरकार आपको अंदर बुलाया है, आइए आइए आइए। क्या आप ही सेनापति हैं? खैर कोई हर्ज नहीं। अच्छा श्रीमान, अब कहीं बैठने की जगह बताइए या यूं ही खड़ा रहूं? तशरीफ रखिए। हाँ फरमाइए। अजीब गधे के बच्चे। आप नहीं, उनको। अरे गधे के बच्चों, निकलो बाहर, निकलो निकलो। ये हमारी सेना। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि एक तो तुम हम लोगों को जो तकलीफ दे रहे हो वो फौरन बंद करो, नहीं तो अपनी सारी सेना लेकर यहां से चलते बनो। क्या उतरा कुछ भेजे में? तुम अपनी सारी सेना लेकर यहाँ से भाग खड़े हो, यही हमारे राजा की किशन की मंशा है। ये बात तो आपके राजा की बात मानना ही चाहिए। क्यों जी, भला वो कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? श्रीमान, उनके चेहरे पे नजर नहीं ठहरती नजर। उनकी नजर से नजर मिलाई के गर्दन ऐसी हुई, उनके चलते ही जमीन आनंद से थिरकने लगती है और उनके हंसते ही लोगों के चेहरे फूल से खिल उठते हैं और उनके बांसुरी बजाते ही तुम्हारे जैसे सांप भी डोलने लगते हैं। क्यों रे मुझे सांप कहता है? अभी लात मारकर कमर तोड़े देता हूँ। हाँ, जबान संभाल जबान संभाल। ऐसी कितनी लातें खाई है जो अब एक एक मुंह से बाहर निकल रही है। लात मारता है, हमारे लाते क्या टूट गए हैं? बदतमीज छोकरे, देख ऐसे बच्चों की तरह धींगा मस्ती न कर। हाँ, तुझे जो कुछ कहना हो वो सीधे सीधे मुंह से कहे, वो मैं अपने राजा से कहूंगा और फिर हमें तुम्हें जो लड़ाई होना होगी वो होगी। हाँ। कोई है? इसे कोठरी में बंद कर रखो, इसके राजा को आकर इसे छुड़ाने दो। अजी उन छोकरों की चालाकी नहीं, ये तो उस किशन की ही शरारत है। ऐसा तो एक बार मुझे उस किशन को जरूर देखना चाहिए। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, एक बार मुझे उसे दिखाओ तो सही। ठीक है। खेलती है, हाँ कूदती खेलती है,
पागती ये रत्नों जैसी गौवे शान सोहती ये मेरी ये मेरी सोहती ये मेरी ये धवली ये कमरी ये धवली ये कमरी भोली भाली भोली भाली भोली भाली भोली भाली भोली भाली भोली भाली हमसे मैं करती हमसे मैं करती निर्मल प्रीत अति हाँ हाँ निर्मल प्रीत अति वो हो निर्मल प्रीत अति रत्नों जैसी गमेशा सोहती ये मेरी ये मेरी सोहती ये मेरी रत्नों जैसी गमेशा गमेशा किसी महाराज मैं भी आपको ना पहचान सका क्या कमाल किया है अपने वेश बदलने में चलो पहले अंदर चलो यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है अच्छा देखा हो कौन आया है कौन मुझे तो वो बिल्कुल कंस के सेनापति सा मालूम होता है हाँ? वही तो नहीं है मालूम होता है किशन के लिए आया है किशन के लिए हाँ। देख मंसूर तू चल जाकर किशन को होशियार कर दे फिर ये कोई भी हो क्या क्या चल रहा है कन्हैया तू अभी उल्टे पांव घर जा और बिल्कुल बाहर ना निकल जा मगर क्यों अरे अभी अभी इनके पास कोई आया है बहुत करके वो केशी है मंसूर कहता है कि वो तेरे ही लिए आया है चल मैं ही तुझे घर पहुंचा कर नन महाराज से सारा किस्सा कह देती हूँ मैं घर न जाऊंगा चुप कर भी न बैठूंगा और न बाबा से तुझे कुछ कहने ही दूंगा इस वक्त मैं तेरी एक भी न सुनूंगी कन्हैया तू अभी नन्हा है इन बातों को जरा भी नहीं समझ सकता चल माई घबराती क्यों है ये सुनहरा मौका हाथ आया है इसे क्यों गुमाए ये सुनहरा मौका हाँ केशी वेश बदल कर आया है ना तो इस वांग से फायदा उठाकर उसके कान क्यों न गरम किए जाए खासी मरम्मत हो तो शायद होश ठिकाने आ जाए नहीं कन्हैया तू भूलता है जन्म के दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ते चाहे तुम कितनी ही कोशिश करो उनके होश कभी ठिकाने नहीं आ सकते इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश न की जाए दुष्ट होते हुए भी केशी पराक्रमी है अगर ऐसे पराक्रमी पुरुषों की शक्ति किसी अच्छे काम में लगाई जाए तो संसार की कितनी भलाई हो माई मुझे एक बार ये कोशिश करने ही दो मेरी चिंता न करो और किसी से कुछ कहो भी मत मगर तुझे मेरी सौगंध है कन्हैया माई तुझे मुझ पर विश्वास है ना लेकिन माई इसीलिए तो मैं कहता हूँ अने कि एक बार मुझे उस छोकरे को देखने दो कि फौरन मैं फुसलाकर उसे छावनी ले जाता हूँ तब गोकुल के लोगों का घमंड दूर होगा और आएंगे मेरी शरण में हाँ ठीक है लेकिन होशियार रहिए आप यहाँ अकेले हैं अगर आपके यहाँ आने का मतलब किसी को मालूम हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे गोकुल से जान सलामत लेकर जाना भी मुश्किल होगा मेरी फिक्र मुझ पर छोड़ दो लेकिन मैं केशी हूँ ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कंस महाराज का सेनापति इस तरह लुक छिप कर आया है लोग इस बात की हंसी उड़ाएंगे अच्छा तो चलिए रास्ते में ही आपको किसी मिल जाएगा आप सीधे चलिए मैं हूं आपके पीछे पीछे एक सर देखता क्या है चल हा हा हा। तेरा नाम है किशन नहीं तो घन पत्र कमर खा जा क्या घन पत्र कमर खा जा घनपत अरे बाबा तुमसे न बनेगा मेरे बाबा ने मेरा नाम बड़ा अगड़म बगड़म रखा है
अरे ए किशन, वो देखो किशन, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। कितना सुंदर दिखता है तू, बचपन में कैसा ठुमक ठुमक कर दौड़ता था, कैसा तुतला तुतला कर बोलता था, तुझे गोद में लेके मुझे बड़ा आनंद होता था। अरे आ आ, एक बार फिर तुझे गोद में उठा लूं। आ आ, अब कैसा मालूम होता है? वाह, जब बचपन में मैं तुझे गोद में लेता था तब जितना सुख मिलता था उतना ही अब मिल रहा है। हाँ, उतना ही सुख मिल रहा है। हाँ, उतना ही सुख मिल रहा है। सचमुच? हाँ सचमुच। पर मालिक, मैं किशन नहीं हूँ। लुच्चा कहीं का, बचपन में भी तू मुझे ऐसे ही बहकाया करता था। अरे तुझे गोद में लेकर मैं कितनी ही बार जमना गया हूँ, चल फिर वहीं चले। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, अजय मैं किशन नहीं हूँ। अभी उस छोकरे ने तुझे किशन कहकर नहीं पुकारा? हाँ तेरे की, अजय उसने तो मुझे बिशन कहकर पुकारा था, किशन नहीं। मालूम होता है कुछ कम सुनते हो, मेरा नाम बिशन है, बिशन। हाँ हाँ, तू किशन से कितना मिलता जुलता है। हाँ। क्यों रे बिशन, किशन कहाँ है? किशन यो दाहिने हाथ को मुड़ो, वो बैठा है पत्थर पर। अच्छा अच्छा, अरे किशन तू यहाँ बैठा है? अरे इधर उधर क्या देख रहा है किशन? आप मुझसे बातें कर रहे हैं? अच्छा बोलिए किशन, अब तू कितना बड़ा हो गया है? अरे बासरी, ये भी मेरे साथ लंबी हो गए हैं। और ये नाक, ये भी लंबी हो गया है ना? और ये कान। क्यों रे, मेहमान को इस तरह बहकाता है? पर मेहमान जी, आप कैसे बहक गए? किशन क्या इस तरह लंगोटी बांध कर फिरता है मेहमान जी? ये मेहमान है क्या? मेहमान है, मेहमान मेहमान। हाँ जी, मेहमान 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 मेहमान। घूर घूर कर क्या देख रहे हो? किशन से मिलना है ना तुम्हें, बढ़ो आगे। क्या यही किशन है? अरे किशन इधर आ। अरे ये मेहमान तुझसे मिलने आए हैं। सच? अरे इन्हें यही खड़ा रखा है, तुम लोगों ने इन्हें नहीं पहचाना? बहुत बड़े हैं ये। बड़े? हाँ हाँ, देखता नहीं उम्र में हमसे ये कितने बड़े हैं। मालूम होता है तुम लोगों ने इन्हें बहुत सताया है। चलिए वहाँ चलकर जरा आराम कर लीजिए। आइए आइए आइए। बैठिए बैठिए। अरे जरा कूड़ा करकट तो साफ कर दो। चोरी तुम्हें कुछ अक्कल वक्कल है या नहीं? कूड़ा कहीं इतना ही साफ किया जाता है? जरा सफाई से आहिस्ता से। बैठो रे, बैठो बैठो। देखो जब मैं छोटा था तब ये मुझे गोद में लेकर खूब घुमा करते थे, है ना? हाँ। हमारी गायों बैलों का
गोबर उठाया करते थे। और एक दिन ऐसा मजा हुआ, हमारे उस गोरे ने उठा लिया इन्हें सींगों पर, फिर ये ऐसे घबराए बड़े डरपोक है ये, है ना? नहीं मैं इतना डरपोक क्या नहीं, वैसे ये बहादुर भी है, किसी का भी सामना हो सदा छाती ठोक कर तैयार। लुक छिप कर काम करने की इन्हें बिल्कुल आदत नहीं। ठीक बिल्कुल ठीक, सचमुच बड़े बहादुर है, जब से आए हैं हर एक के सामने छाती ठोकर खड़े होते हैं, उसे पकड़ते हैं और बेधड़क उसे कहते हैं किसन। तो ये बात पक्की हो गई कि ये बहादुर है। आप तो इतनी देर से चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलते ही नहीं, बहुत थके हुए मालूम होते हैं। अरे जा, इनके लिए जरा दूध तो ले आ। मैं तो दंग रह गया हूँ, कितना सुंदर दिखता है, कितना मीठा बोलता है। चल जमुना के किनारे चले, वहाँ कदम के नीचे बैठकर खूब बातें करेंगे। क्यों रे, भेजा है या नहीं? मेहमान कुछ देवता के मुहूर्त थोड़े ही है जो भोग चढ़ाने लायक दो बूंद दूध ले आया है, नहीं तो क्या ये राक्षस है जो डेरी भर दूध लाऊं? अरे ला, चाहे जितना हो, थोड़ा ही सही लेकिन दूध है, थोड़े दूध से भी भूखी आत्मा को शांति मिलती है। सचमुच दूध बहुत ही कम है। ये तेरे मेहमान है इसलिए इतना भी दूध मिल सका, वरना दूध आएगा गाँव में, वो कौन किसी फीसे आए ना, वो सब लूट लाट कर लेगा। उस केशी ने तो तमाम गोकुल को सता रखा है। आप उसी रास्ते से आए हैं ना, देखी आपने उसकी फौज? हाँ देखी। कितने मगरूर हैं वो लोग। क्यों मेहमान जी, इतनी बड़ी फौज की परवरिश से क्या फायदा? इस फौज से राजा प्रजा की हिफाजत करता है और अपने देश की ताकत बढ़ाता है। ताकत बढ़ाता है या घटाता? ये किस तरह ताकत घटती कैसे है? फौज बेकार न रहे इसलिए राजा लड़ाई करता है, और लड़ाई छिड़ जाने से हजारों लाखों का खून बहता है, फिर इससे ताकत बढ़ती है या घटती? जब लड़ाई नहीं होती तब फौज की परवरिश के लिए गोकुल जैसे हजारों गांव उजड़ जाते हैं। इसकी बनिस्बत तो ये बेहतर है कि इतना मानव बल भूमाता की सेवा में लगा दिया जाए जिससे देश का वैभव हजार गुना बढ़े। सचमुच तेरा कहना सोचने लायक है। पर किसके लिए? इंसानियत रखने वाले आप जैसे इंसानों के लिए। हुकूमत की ताकत से अंधे बने हुए राजा और उसके कर्मचारियों को इससे क्या? हम अपनी गाय नहीं देते ये सुनते ही उस उन्मत्त किसी ने हम लोगों का हाल बेहाल कर दिया। जो गाय अपने दूध से हमें बलवान बनाती है, अपनी संतान से भूमि का वैभव बढ़ाती है, उसी गाय को मरे कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाने वाले और उसे चारा पानी बिना तड़पाने वाले इन बदमाशों को लातों से कुचल कर मारना चाहिए या नहीं? इन्हीं गायों की बदौलत हमने गोकुल को स्वर्ग बना रखा है, अब पापी केशी उसे मरघट बनाने यहाँ आया है। जब हमारी तहजब पुंज गायें जमुना के किनारे चरती हैं, तो ऐसा मालूम होता है मानो अनेक तारागणों सहित आकाश पृथ्वी पर उतर आया है। तो फिर चलना किसन जमुना किनारे, देखने दे मुझे एक बार ये शोभा। मैं, वो बदमाश केशी है, किसी ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। अब वे जमुना किनारे जा रहे हैं। मनसुख होशियारी से तू उनके पीछे पीछे जा। हाँ, हाँ। अने मौका हाथ लगा है, ले जाता हूँ उड़ाकर। देखी मेहमान जी व्रत की छटा। Yeah!
तुम लोग इनकी ये क्या दुर्दशा कर रहे हो? कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? उड़ गई इसकी इंसानियत के साथ हवा खाने। चलो हटो यहाँ से। सीधे तरह यहाँ से चला जा, नहीं तो एक का बनाया है झूला, तेरा बनाएंगे पालना। अच्छा अच्छा देखा जाएगा।
कंस महाराज को ये खबर देनी चाहिए। गोकुल का तो अब सत्यानाश हो जाएगा। नाचत झूमत जाए, नाचत झूमत जाए, गोकुल को गोप सारे, गोकुल को गोप सारे, नाचत झूमत जाए, गौरत जमुना तीर चलो, गौरत जमुना तीर चलो, नाचत झूमत जाए, गौओं को साथ ले लो, गौओं को साथ ले लो, रस की भरी प्यार पदी मृदु मुरली, रस की भरी प्यार पदी मृदु मुरली, मृदु मुरली, सब छीन लेना, सब छीन लेना, बांसुरी ने मत कीना, सब छीन लेना, बांसुरी ने मत कीना, नाचत झूमत जाए, नाचत झूमत जाए, गोवर्धन का उत्सव बड़े ठाट बाट के साथ मनाया जाना चाहिए। जाओ सब लोगों से कहो कि वे गोकुल की हरेक गाय और बैल को खूब अच्छी तरह सजाकर बड़े सवेरे गोवर्धन पर जमा करें। कल के गोवर्धन का उत्सव सचमुच गोवर्धन ही का उत्सव होना चाहिए। कहां का गोवर्धन और कहां का उत्सव? यहां तो गोकुल के बीच रात होने का मौका आ गया है। आखिर हुआ क्या? तुम्हारे बदमाश छोकरे ने किसी महाराज का खून कर डाला है। किसने खून किया? तूने? तूने? मैंने नहीं, उसके कर्म ने ही उसे मारा। बाबा, उसके शी ने हम सबको पकड़ लिया, सबको बांधकर पेड़ों से लटका दिया। वो मुझे जान से मारने का इरादा कर रहा था। हमारे तमाम मवेशी भी उसने पकड़कर बांध लिए। आखिरकार वो छूट निकले और उसी धमाधमी में केशी मारा गया। तो फिर इसमें कन्हैया का क्या कसूर? इसमें इसका कोई कसूर नहीं। बेटे के प्यार ने आपको अंधा बना रखा है। अब उसे और सर पर उठा करना चाहिए। जब कंस महाराज कल गोकुल पर छापा मारकर उसे मटिया मिट कर देंगे, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब भी सोचिए, मेरा कहना मानिए, चलिए इसी समय कंस महाराज के पास, उनसे माफी मांगे। माफी मांगे? किस लिए? वो हमारे गांव को सताए, हमें चाहे जैसा नचाए, हम पर जुल्म करे और उल्टे हमें उसके पांव पड़े, ऐसी सभा कायर ही दे सकते हैं। मैं कायर? जब कल कंस महाराज की सेना गोकुल में घुस आएगी, तब देखा जाएगा तुझे से बात नहीं वीर क्या कर सकते हैं। कन्हैया, इस दुर्घटना के बाद कंस महाराज कोप किए बिना न रहेंगे। कल का उत्सव किस तरह पूरा होगा? अभी से मुझे इसका डर मालूम हो रहा है। अगर इस तरह हमेशा हम कंस के कोप से डरने लगे
तो कोई कार्य सफल नहीं होगा। कुछ भी हो, अपना कल का उत्सव बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। करेंगे ना बाबा, करेंगे ना। कन्हैया, तू छोटा है या बड़ा, कभी कभी तेरी बातें ऐसी होती हैं कि बड़े बड़े भी सर झुकाएं, और कभी कभी बिल्कुल बच्चों का बच्चा बन जाता है। सच बता, तू कौन है? मैं बताऊं ये कौन है? रहने दो, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, नहीं, मैं बताती हूँ। नहीं, मैं। मैं, तुम दोनों ही रहने दो, मैं बताता हूँ। बता। मैं तुम्हारा लाडला लाल और तू मेरी मैया, मैं लाल तेरा तो पहचान। तू मेरी मैया, मैं लाल तेरा तो पहचान। नंद मेरे पिता गोपत खान, नंद मेरे पिता गोपत खान। मधुर वचन मैं करता, मधुर वचन मैं करता, मधुर वचन मैं करता। तू मेरी मैया, मैं लाल तेरा तो पहचान। जमुना किनारे गऊ बेचराऊ, जमुना किनारे गऊ बेचराऊ, पंक्ति बजाऊ गोपिन जाऊ, गोपिन जाऊ। जाने जमनन जाने जमनन, जाने जमनन जाने जमनन। जगर जगर मैं गिरता, जगर जगर मैं गिरता, जगर जगर मैं गिरता। तू मेरी मैया, मैं लाल तेरा तो पहचान। नंद मेरे पिता गोमत खान, नंद मेरे पिता गोमत खान। मधुर वचन मैं करता, मधुर वचन मैं करता, मधुर वचन मैं करता। तू मेरी मैया, मैं लाल तेरा तो पहचान। केशी महाराज बेखबर थे, गोकुल के लोगों ने उन पर मस्त जानवर छोड़ दिए। क्या? जाओ इसी दम गोकुल को जलाकर खाक कर डालो। गोकुल का एक भी ग्वाल जिंदा नहीं रहना चाहिए। ठहरो, ऐसा नहीं, जिनके बदौलत वे इतने मस्त हुए हैं उन सब जानवरों को यहां खींच के ले आओ। चारों तरफ से नाकेबंदी करो। गोकुल का एक एक ग्वाल दाना पानी बिना तरफ तरफ कर मरना चाहिए। मोदमये कपिला, मोदमये कपिला, गाय सजाऊं मैं गाय सजाऊं। मोदमये कपिला, गाय सजाऊं मैं गाय सजाऊं। मनहरनी अति सुंदर, मनहरनी अति सुंदर, नवला नारी बनाऊं, नवला नारी बनाऊं। ललाट पे केसर का तिलकन गाऊं, ललाट पे केसर का तिलकन गाऊं। पग घूंघर चुम चुम चुम, पग घूंघर चुम चुम चुम, बाज बिनाऊं तोहे बाज बिनाऊं। मोदमये कपिला, गाय सजाऊं मैं गाय सजाऊं। परिमलमय फूलों का मन हर गजरा,
नहीं दूसरों की सुनता नहीं, अच्छी सजा पाई। अच्छा हुआ जो इनका साथ न दिया, वरना हमारी भी यही हालत होती। जरा ठहरिए, हम लोग कंस महाराज के पास जाते हैं। ये मैं नहीं कर सकता। तो हम तुम्हें अपने जानवरों को हाथ न लगाने देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो हमें इससे काम लेने का हुक्म है। अपनी गायों बैलों की रक्षा के लिए हमें अपने जान की भी परवाह नहीं। संभालो सब अपने अपने जानवर। अब मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने जानवर न दिए तो तुम्हारी जान तो ली ही जाएगी, मगर इसके पहले तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ कर अपने जानवरों का कत्लेआम देखना पड़ेगा। चलो खींचो जानवरों को। छोड़ दो
जानवरों को, ले जाने दो इन्हें। इनकी जान बचाने के लिए हमें इनकी जुदाई का दुख सहना ही चाहिए। आज तक तुमने हमारी रक्षा की, हमें बल दिया, हम तुम्हारे साथ आनंद में खेले कूदे नाचे, तुम्हारी सोबत में हम नहीं रह सकते। क्षमा करना, हमें उनकी संगत में बिताने दीजिए। आप उन्हें शाम को ले जाए तो कोई हर्ज होगा क्या? हमारे लिए आप इतना भी न करेंगे? हम उनसे बहुत बहुत प्यार करते हैं जी। किशन, मैं लाचार हूँ, तू नहीं जानता कि कंस महाराज की आज्ञा कितनी कड़ी होती है, और वे खुद पास ही मौजूद हैं। ठहर किशन, तेरे लिए मैं महाराज से पूछने की हिम्मत करता हूँ। दीदी आ गया? किशन, महाराज ने आज्ञा दे दी, इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे जानवर लौटा देने के लिए भी कह दिया। अब वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। तो क्या अब आप उन्हें कभी न ले जाएंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। अब तुम, तुम्हारे जानवर और तुम्हारा गोकुल सब सुखी रहो। आज का उत्सव बड़े आनंद से मनाओ। संसार को झुकाना कंस का ही काम है। महाराज के कहने का मतलब मैंने समझ सका। थोड़ी देर पहले यही लोग रो रहे थे, अब वही हंस रहे हैं, आनंद से थिरक रहे हैं। पर वे क्या जाने कि थोड़ी ही देर में उनका, उनके आनंद का और उनके गोकुल का प्रलय से विनाश होने वाला है। जब वे लोग आनंद से मस्त होकर बेहोश हो जाएंगे, तब हम अपनी माया फैलाकर लय मचा देंगे। और ध्यान रखो, तुम भी इसी गोलमाल में उस कृष्ण को पकड़कर उसकी हस्ती मिटा दो।
मैंने तुझे आज पहचाना, मेरी भूल हुई, मुझे क्षमा कर। कन्हैया,